अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी जाने हो रहे हैं अब अभी दोस्तों आज हैं हम अपने चौथी मंजिल पर जिसको कहते हैं दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा अपना रिचर। दोस्तों इसका बैक कैमरा ऑन हो चुका है तो हम सामने देख रहे होंगे कि कुछ आपको पौधे नज़र आ रहे हैं। ये आपको फोकस से दिखा रहा हूँ, ये जो पौधे सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये है हमारे छत की क्यारी जिसे हमने पौधे लगाए हैं। ये है हमसायों का झंडा और ये है हमारा झंडा जो कि हवा के घुमाव की वजह से ये बिल्कुल फिट हो गया है। दोस्तों मैं अभी लेटा हुआ था, अब मैं खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों खड़े होने के साथ साथ आपको व्यू आया है, अच्छा वाला व्यू आया। ये देखें ये हमजा ने खोल दिया है, ये देख सकते हैं ये है हमारे घर छत पर सोलर पैनल। ये 4 सोलर पैनल हैं, इसके हम आपको फ़ायदे बता देते हैं। इनके फ़ायदे ये हैं कि दोपहर के टाइम अगर आपके घर बिजली चली जाती है तो आप सिर्फ इन्हीं 4 सोलर पैनल से बिजली हासिल कर सकते हैं और अपने पंखों को बहुत आराम से चला सकते हैं। दोस्तों हम बाद में आएंगे इन पौधों की तरफ, तो हम पहले आपको पूरी छत दिखा देते हैं। दोस्तों ये देखते हैं आप, ये हमारी छत का ऊपर से भी। दोस्तों वो हैं हमारे केजीस, ये हैं हमारे ये हमारे केजीस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये मेरी छोटी बहन है आयशा जो कि वहाँ खड़ी हुई है। दोस्तों ये देखते हैं ये गंदगी से भरा हुआ है, ये नीचे से इसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी है। दोस्तों ये है हमारी दूसरी जो थर्ड फ्लोर की छत है। दोस्तों अब हम आपको पौधों के बारे में बता देते हैं हमारे घर में कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों ये एक बेल लगी हुई है, इसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बेल किस चीज़ की है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पौधा है, अगर आपको पता है तो ये आप बता दें। और मुझे तो पता है, मैं अभी आपको बता भी सकता हूँ। तो ये देखें ये है एक आम की गिटक जो कि खुल गई, मैंने अचानक ही लगाई थी एक दिन तो वो खुद ब खुद खिल गई। और ये देखें ये पौधे निकले, ये दो पौधे निकले हैं, दो तीन। और ये भी है इसको फूल लगा कर जैसे का भी। दोस्तों ये मैंने एक धनिया के धनिया आप उतार लेते हैं ना पत्ते, तो आप डंडी को ऐसे इसके अंदर बो दें। और ये देख सकते हैं ये भी मैंने एक डंडी बोई है। दोस्तों हमने इनको केले के छिलकों वाली खाद डाली है, ये केले के छिलकों वाली खाद बहुत मुफीद है। दोस्तों ये मैंने कल लगाए थे पुदीने की डंडियाँ, ये देखें ये मैंने पुदीना की डंडियाँ लगाई थी मगर इन पर पुदीना नहीं लगा। ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पौधा, ये मैंने काफ़ी देर पहले पौधा लगाया था पुदीने का और ये खिल चुका है। ये भी इंशाल्लाह ये भी खिल जाएगा, इंशाल्लाह ये भी खिलेगा क्योंकि ये भी मैंने एक लगाया हुआ है। ये तो पौधों में भी मुझे बहुत ज़्यादा मालूम हैं जो कि मैंने अपने खुद हासिल की और आपको भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखते हैं ये वही पौधा है जो हमने सबसे फर्स्ट पे आपको दिखाया था। इसके बाद में आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको पता है तो ये कौन सी बेल है। ये देख सकते हैं आप ये रही वो बेल। दोस्तों ये घास भी बहुत ज़्यादा उग रही है हमारे छत की छत पर। दोस्तों ये कैसे इतना बहुत बड़ा हो गया है, ये देखें कुदरती ये घास उगी हुई है और एक यहाँ पर भी है। दोस्तों ये जो है ये कंगनी है, ये देखें ये मैंने कितनी ज़्यादा कंगनी उगा ली है, ये बिल्कुल दीवार से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रह गई है। दोस्तों मैंने इस गमले में कंगनी डाली थी जो कि उग चुकी है। तो दोस्तों कंगनी भी आप उगा सकते हैं, ऐसे मिट्टी ले, मिट्टी में ऐसे जो आपके बर्ड्स दाना ज़ाया करें वैसे ऐसे पकड़ें उनको दाना बर्तन समेत आप इसमें डाल दें, तो इसमें आप डालेंगे